नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और स्वागत है आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की इग्निस के बारे में। हालांकि चाबी उल्टी पकड़ी थी, कोई नहीं। ये सुजुकी का कुछ चाबी के बारे में सबसे पहले बात करें तो कुछ इस सुजुकी का लोगो आ जाता है, लॉक, अनलॉक, और ये तो एक डमी फीचर दिया हुआ है इसमें, कुछ ऐसा है नहीं। लाइट्स के बारे में बात करें तो कुछ ये वेरिएंट कौन सा है मैं आपको स्क्रीन के पर लिख दूंगा। हाइलोजन लाइट्स दी हुई हैं, ये भी हाइलोजन है, और यहाँ एक फॉग लैंप भी दिया हुआ है। यहाँ कुछ नंबर प्लेट लगी हुई है, ये कुछ गोरिल्ला जाती है जिसमें ये वेंट्स फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल वेंट्स है जिसमें से इंसुलेशन जाती है, ठीक है। ये सुजुकी का कुछ क्रोम में लोगो दिया हुआ है। बाकी ये कुछ आ जाता है अपना पूरा हाइलोजन है पूरा, ठीक है। इसमें कोई भी एलईडी लाइट्स नहीं दी हुई है, आई थिंक इसके टॉप वेरिएंट में, जिससे ऊपर वाले वेरिएंट में दी हुई है। ये वेरिएंट कौन सा है आपकी स्क्रीन के ऊपर पहले ही आ गया होगा। चलिए साइड प्रोफाइल से बात करें तो कुछ ये डिज़ाइन में दिया हुआ है, और ये कुछ आ जाती है भाई साहब, ये एलॉय व्हील्स हैं, पता नहीं, एलॉय व्हील्स है गाइस, जिनकी टायर साइज प्रोफाइल है 175/65R15/84H, और ये इको एकोपिया की टायर आते हैं अभी मारुति में, इस इग्निस में, ठीक है। सो आई थिंक ये टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट है, मेरे को पक्का नहीं पता है। बाकी इसमें दो रिक्वेस्ट सेंसर दिए हुए हैं, एक इधर है, एक पैसेंजर साइड पे भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। रियर वाइपर दिया हुआ है, रियर डिफॉगर दिया हुआ है, देखो ये रहा सेकंड रिक्वेस्ट सेंसर, ठीक है। बाकी यहाँ से बूट खोल सकते हैं, आई थिंक पीछे कोई सेंसर नहीं है, पीछे नहीं, पीछे भी है, पीछे भी है गाइस। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पीछे भी एक बटन दिया हुआ है, अगर आपने देखा हो ये वाला बटन, और इससे हम अपना बूट को अनलॉक कर सकते हैं। क्रोम में बैजिंग दी हुई है इग्निस की और सुजुकी की, नेक्सा की भी बैजिंग यहाँ दी हुई है, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर और रियर लाइट दी हुई है। ये कुछ बूट्स पे जाता है, बूट्स पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। बाकी ये कुछ आ जाती है इसकी लुक, और लुक वाइज भाई अच्छी लगती है, कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। और आई थिंक इसका प्राइस जो भी होगा मैं आप लोगों को ऊपर स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा। ये कुछ भाई साहब स्पोर्टीनेस इसमें, इस गाड़ी में पूरी फील आती है। और भाई ये कुछ रियर ORVM, यहीं पे इसमें लाइट आती है, और ये कुछ आ जाता है भाई साहब, वाह, गाड़ी मेरे को बहुत पसंद आई। आई थिंक हमने भी अपने लिए कार नहीं देखी थी हमने, लेकिन सीधा अपनी वैगनआर ले ली थी। बाकी ये कुछ आ जाती है इसकी लुक, और भाई भाई ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए हुए, जो रियर मतलब कि जो पांचवा टायर है आई थिंक वो साइज सेम है, ये नीचे लगा हुआ है, ये देखो, एक मिनट रुको, नीचे नहीं लगा हुआ, एक मिनट रुको, इसका टायर मुझे नहीं पता, एक मिनट रुको, यहाँ से जो चौथा टायर है वो इसके अंदर है, ये देखो, ये यहाँ से गाइस इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये अभी खुल नहीं रहा है बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है, और टायर साइज का मेरे को खुद नहीं पता, लेकिन ये लाइट देख रहे हो बहुत ज़्यादा अमेजिंग की लग रही है। ये कुछ आ जाती है पूरी लुक, शार्क फिन एंटेना पीछे की तरफ दिया है, और ये बहुत लोग बाहर से लगवाते हैं लेकिन ये कंपनी से आता है, इसको कहते हैं रूफ ग्लाइडिंग कहते हैं उसको। और ये कुछ आ जाती है भाई लोग, भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इंटीरियर वीडियो भी जल्दी आएगी अपने चैनल पे, ताकि देख सकते हैं, और इंटीरियर का स्नीक पीक मैं आप लोगों को दे देता हूँ, कुछ ऐसा इंटीरियर आता है। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको पसंद है, पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय गाइस एंड स्टे सेफ।